होती है आप यूज करें कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन आप यूज करें और उसका आपने साथ में नाम लिख देना, लाइक मैं लिखता हूँ पैडलॉक कन्वर्जन, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अच्छा जी, कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ से जो कन्वर्जन का मेथड है कि किस मेथड के ऊपर कन्वर्जन हो वो आपने चूज करनी है, वो आपने करनी है परचेज, ठीक है, यहाँ से आपने परचेज चूज कर लेना। अब यहाँ पे आपने कंट्रीज चूज कर लेनी है, आजकल मोस्टली वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उसकी रीजन है कि आप को टारगेट ज्यादा ऑडियंस मिल जाती है और उसके बाद आप को ज्यादा उसकी मेथड वगैरह मिल जाते हैं, ज्यादा आपकी रीच होती है तो इजीली आप जो है ना इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। आप यूएसए भी करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन आपकी क्या उसको कहते हैं एड्स की जो फी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि अगर आप शिफ्ट में करना चाह रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड कर लें, ठीक है, आपकी कन्वर्जन अगर मिलती है आपको वर्ल्ड वाइड से, अगर सिर्फ यूएसए बेस्ड है प्रोडक्ट तो आप यूएसए को ही टारगेट करें, ठीक है। फर्स्ट आपने टारगेट जो है ना कोशिश करें कि यूएसए के अंदर, अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप यूएसए के अंदर टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद आपने एज ग्रुप रखना है, आप मोस्टली मैं जो रखता हूँ वो 21 प्लस ही रखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग 24 प्लस या समथिंग लाइक इससे भी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि जो परचेजिंग पावर जिनके पास होती है वो इतने एज के बंदे के पास होते हैं, लाइक उनके पास आप कह सकते हैं कि पेपॉल हो तो फिर ही वो जो है ना बाय कर सकेगा, पेपॉल स्वाइप आप लोगों ने ऐड करेंगे तो होपफुली इन लोगों के पास तो होता ही है। 65 प्लस, अब जो प्रोडक्ट है वो आप देख आपके मुताबिक आपने देखनी है कि वो मेंस के लिए है या वुमेन के लिए या दोनों के लिए, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने लैंग्वेज देखना है, इंग्लिश, ठीक है, यूके और यूएसए दोनों आप सेलेक्ट कर लें। अब ये मेन चीज आपकी यहाँ पर आती है कि आपकी जो टारगेटिंग है, ठीक है, टारगेटिंग मेन चीज यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो जिसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ वो मेरी मतलब कह सकते हैं टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो गैजेट से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे जो पहले है वो गैजेट सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगी एक किस्म की ब्रॉड ऑडियंस, ठीक है। अब ब्रॉड ऑडियंस को हमने मजीद थोड़ा नैरो करना है, ठीक है, और इसको हमने करना है, अब वो पैडलॉक से रिलेटेड है, एक तो मेरा गैजेट हमने यूज कर लेना है, अब दूसरे नंबर पे थोड़ा नैरो करना है कि इसको हम पैडलॉक, ठीक है, और सर्वाइवल सर्वाइवल गिल, ठीक है। अब जो मेरी प्रोडक्ट है तो मेरे जेन में है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से जो है ना मैं चीजें यहाँ से देख रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसको मैं टारगेट करने जा रहा हूँ। अब वो गैजेट है एक किस्म का, और गैजेट मैंने सबसे जो ब्रॉड इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रख लिया, और उसको थोड़ा सा मैंने किया नैरो करने के बाद जो है ना आपने उसको मजीद देखना है कि कौन कौन सी आपके अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पर आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं या इसके ऊपर भी कर सकते हैं, मैं ये वो प्रोडक्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट है। ये वाली प्रोडक्ट है जिसको मैं अभी टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी कार्टिंग के अंदर है, चल रही है प्रोडक्ट, तो इसका मैं रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा। एंगेजमेंट में अभी मैं चला रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट में अगर आप एंगेजमेंट चलाएं थोड़ी सी एंगेजमेंट हो जाए देन आप उसको कर सकते हैं।
अब ये सिर्फ यूएसए बेस्ड है, मोस्टली वहाँ पर लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, या वो सर्वाइवल टाइप्स ऑफ चीज़ें इस तरह की ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैं इसलिए यूएसए को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें आप ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पैडलॉग और सर्वाइवल स्किल। ठीक है, अब ये तकरीबन 110 लाख है, और उसके बाद पैडलॉग और सर्वाइवल स्किल। अब आपने मोस्ट रिलेटेड थिंग्स की चीज़ें जो है ना आपने फाइंड करनी है। ठीक है, नैरो फर्दर आपने करना है इसको अंदर, और इसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने गैजेट से रिलेटेड जो भी जितने भी आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, लाइक गैजेट है और मजीद, सॉरी गैजेट तो ऊपर आ चुका है, तो हम इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ये जैसे गैजेट स्टोर्स हैं, और अभी ऑनलाइन शॉपिंग को मैं स्किप कर देता हूँ, पहले इनके जो इससे रिलेटेड जो है ना सजेशंस हमें मिल रही हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जैसे कूल गैजेट्स हैं, और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मोबाइल एक्सेसरीज में ये चीज़ नहीं आती, गैज पोर्टल लेटेस्ट गैजेट्स न्यूज़ आईफोन एक्सेसरीज में भी नहीं आएगी ये। आपने अपने प्रोजेक्ट जो गैजेट अब मजीद मुझे यहाँ पर सजेशंस में कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अगर आप नैरो फर्दर जो है ना हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। सो आपने क्या करना है, 3 वे के अंदर ये चीज़ें करनी है। ठीक है, लाइक गैजेट फर्स्ट में आपका सबसे जो मेन होगा ब्रॉड इंटरेस्ट होगा वो आपने फाइंड करना है, और उसके बाद आपने नैरो फर्दर करना है उसके ऊपर कि जो आपसे रिलेटेड हो, लाइक ये पैडलॉग है तो पैडलॉग से रिलेटेड हो, सर्वाइवल से रिलेटेड है। ठीक है, कि ये एक जो पैडलॉग है इसके जरिए हम जो जो ताला है उसको खोलने की स्किल जो है ना हासिल कर सकते हैं, तो ये सर्वाइवल स्किल भी आ रही है, और एक इसमें गैजेट भी है, और एक्चुअल में ये पैडलॉग है। ठीक है, और कूल गैजेट भी है, गैजेट स्टोर के अंदर में ये आ जाती है चीज़। ठीक है, तो आपने जो पॉसिबल रिजल्ट मतलब आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर मिलते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। अब और कुछ चीज़ें भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, लाइक एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, एक शीट थी मेरे पास, उसमें हर चीज लिखी थी कि आप क्या क्या चीजें अपने मतलब इंटरेस्ट के रिलेटेड जो है ना फाइंड कर सकते हैं। शायद मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको। एनीवे, उसमें क्या करना है कि लाइक आपकी प्रोडक्ट है पैडलॉग, तो या आप गैजेट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो गैजेट मैगजीन। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करें गैजेट्स मैगजीन फलपाइन, ये फलपाइन से रिलेटेड कोई मैगजीन है यहाँ पे, इसको ऐड कर सकते हैं, या गैजेट मैगजीन ये हम सर्च करते हैं यहाँ पे, अगर किसी को मिलता है तो। नहीं, या हम यहाँ पे फॉरम जो आपकी मेन इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड हम आगे जो है ना फर्दर पैशनेट अगर प्रोडक्ट ढूंढना चाहें तो मिल सकती है, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। मोबाइल डिवाइसेस एंड गैजेट्स, एक्चुअली में ये प्रोडक्ट इतनी मतलब क्या कह सकते हैं, इतना जो इंटरेस्ट है वो इतना डीप नहीं है, अदरवाइज मजीद आपको यहाँ पर मिल जानी थी। ठीक है, तो आप इसके अंदर एंड के ऊपर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग इंटरेस्ट भी। ठीक है, या इसको आप नैरो फर्दर में डाल सकते हो, इसको आप सेकंड वे में भी डाल सकते हो। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर पे वो
मतलब ये टारगेटिंग है, तो इसके अंदर फर्स्ट गैजेट है। अब जो भी ऑडियंस है हम उसको फेसबुक को बता रहे हैं कि गैजेट और पैडलॉग और सर्वर, ऑनलाइन शॉपिंग, इन दोनों में से, या अगर तो एक गैजेट है ठीक है, गैजेट का उसका इंटरेस्ट हो जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, फिर उसका इंटरेस्ट या तो पैडलॉग, सर्वाइवर स्किल या ऑनलाइन शॉपिंग में भी होना चाहिए, इनमें से एक होना चाहिए या इनमें से एक होना चाहिए ठीक है। तो ये तीनों चीजों में आपका कोई ना कोई स्किल्स होगा, उसका स्किल होगा तो उसको शो कर सकते हैं ठीक है। तो आपने ये तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। कोशिश करें कि जितनी आपकी टारगेटिंग आप करना चाह रहे हैं उसको आप इंक्लूड करें और उसको मजीद जो है ना आप एक्सप्लोर करें। यही टारगेटिंग आपकी आगे जाकर आप प्रॉपर कर सकते हो। और टेस्टिंग है स्टार्ट के अंदर, आप टेस्ट करोगे और फिर आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी कि ये टारगेटिंग आपकी प्रॉपर है या नहीं है। आप $5 पर डे, $3 पर डे, और फिर आपको जो है ना ऐसा ऐसा इसके अंदर मजीद आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं और किस ऑडियंस को आपको विनिंग ऑडियंस ढूंढकर आपने उसके ऊपर रिजल्ट लेने ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? रेडिट से निकाल के एफबी पे, समझ नहीं आई आपकी? रेडिट से निकाल के एफबी पे क्या? ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है? चलो ठीक है। इसके अंदर ये तीन वेज से आपने, मैं जो टारगेटिंग करता हूँ मोस्टली यही रखता हूँ ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्रीज के बाद ये सबसे पहले तो ये है ना कि आपने वेबसाइट अपनी परचेज पे रखनी है। कन्वर्जन किसके ऊपर हो? परचेज के ऊपर हो। फिर आपकी 21+ और 24+ भी कर सकते हो ठीक है। ये दो आप एड्स बना सकते हो। फर्स्ट पे आप ट्राई करो 21+, सेकंड पे आप ट्राई करो 24+ ठीक है, थर्ड पे आप ट्राई कर लो 31+। इस तरह करके एज ग्रुप बनाकर उसको आप ट्राई कर सकते हो। ऑडियंस आप वेरी कर सकते हो गैजेट, और इसको आप ये कर सकते हो कि ये फर्स्ट ऑडियंस आपकी बन गई ठीक है, फर्स्ट एड के लिए। दूसरे एड के लिए आप क्या करो, इसको सबको रिमूव कर दो। सिंपल आप करो, टेस्टिंग आपने तीन एड्स पे करनी है ठीक है। फर्स्ट एड आपको पहले बता दिया, सेकंड आप ये करो आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो रखो, और उसके बाद आप गैजेट जो भी है, और साथ में जो आपका मेन फोकस है पैडलॉग ठीक है, और उसके बाद सर्वाइवल स्किल। ठीक है, अब ये देखो ये हमने क्या किया, फर्स्ट के अंदर जो है ना सारे स्किल्स डाल दिए जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हमने एक जो है ना नैरो फर्दर कर दिया कि इनके साथ साथ उसको इस चीज का भी इंटरेस्ट हो ऑनलाइन शॉपिंग का ठीक है। तो ये आपने, ये दूसरा एड बन जाएगा ठीक है। इस तरह करके आप दो से तीन एड्स बनाकर उसको करना है, जो सक्सेसफुली रन हो रहा हो उसके ऊपर आपने फर्दर इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर ही आपने फोकस ठीक है। ये नहीं करना कि एक नहीं चल रहा तो उसको भी आपने साथ साथ करते रहना। अब प्लेसमेंट के अंदर जो है ना आप इसको मोस्टली मैं जो चलाता होता हूँ वो मोबाइल पे ठीक है, ज्यादातर कन्वर्जन आपको मोबाइल पे ही होंगी। अब इसके अंदर कौन सी मोबाइल के बाद आपने कुछ चीजें इसके अंदर फीड भी ओके रखें और इन स्ट्रीम आर्टिकल्स ये जरूरत नहीं है, और उसके बाद फीड्स इंस्टाग्राम के अंदर ठीक है, और ऑडियंस में आपको इनस्ट्रीम वीडियोस के अंदर भी ठीक है, और यहाँ पर ये बाकी सब ठीक है। आप इन इंस्टेंट आर्टिकल जो है ना इसको आप स्किप कर दें ये, और मोबाइल ओनली ठीक है। आप इस तरह भी इसको भी थोड़ा टेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट को आप ऑल डिवाइसेस कर लें और सेकंड पे आप मोबाइल, वैसे मोबाइल पे ज्यादा आपको कन्वर्जन मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर बजट आपका फर्स्ट हर एड के लिए $5 बजट आपका होना चाहिए, और देन जो है ना आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं इसके अंदर ठीक है। स्टार्ट में आपने टेस्टिंग करनी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद आपने मैनुअल यहाँ पर करना है। मैनुअल करने के बाद आपने
अब वो $30 बता रहा है, आप यहाँ पर सजेस्टेड बिड में 31 लिख दें, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि जो वो बता रहा है उसी के अंदर आपकी कन्वर्जन हो सकता है उससे पहले हो जाए, हो सकता है उसके बाद हो जाए, सारी आपकी टारगेटिंग के अंदर ही जो है ना डिपेंड करता है। अब इसको आप कंटिन्यू कर दो, अब अगर कह रहे हैं रेडिट से डॉलर निकाल कर एफबी पे प्रमोशन, जी रेडिट आपको इसीलिए बताया है कि आप फ्री सोर्स से अर्निंग करें और फैन जो है ना इन्वेस्टमेंट आप फेसबुक के ऊपर करें, क्योंकि फेसबुक के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और साथ में आपको टेस्टिंग चाहिए। ऑब्वियसली 2-3 एड्स आप टेस्ट करोगे, उसमें से एक का आपका अगर सक्सेसफुल चलता है तो फिर उसको आप फर्दर जो है ना कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने आकर मोस्टली सिंगल वीडियो, ठीक है, या सिंगल इमेज, ये आपने मतलब करना है, ये सिंगल इमेज हो या सिंगल वीडियो हो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग अगर आपने पोस्ट कोई पहले से बनाई हुई है तो उसको अगर आपने चूज करना है, लाइक अगर मैं एग्जिस्टिंग यूज एग्जिस्टिंग पे जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करता हूँ कि ये मेरा पेज है जो जिसके ऊपर पोस्ट है, और इसको पोस्ट जो है ना आपने, ये आपकी पोस्ट नजर आ रही है ऐसे, ठीक है। आपने थोड़ा सा पोस्ट बनाने का तरीका भी दें, इसके अंदर आपने थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन रखनी है यूजर के लिए कि एक अच्छा सा वर्ड हो, कैचिंग वर्ड हो कि वो देखे और पढ़े, लर्न हाउ टू सर्वाइव एंड पिक एनी लॉक ट्रांसपेरेंट पैडलॉग, ठीक है। अपनी उसको बाद उसके बाद आपने नीचे दो लिंक देने हैं, गेट इट हेयर, ठीक है। उस कभी भी किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकता है, तो आप इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी कुछ 2-3 लाइनें अट्रैक्टिव सी लाइनें लिखनी है, और उसके साथ आपने इमोशंस यूज करने हैं। इमोशंस भी काफी हेल्पफुल होते हैं, साथ में आपने लिंक लाजमी देना है, ठीक है, गेट इट हेयर के आपने लिंक यहाँ से दे सकते हैं। और इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोस्ट आपने पोस्ट जो है ना वो पहले बना लेनी है, मोस्टली आप एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करें तो ज्यादा बेटर है, या आप न्यू एड भी ही यहाँ से बना सकते हो। न्यू एड कैसे बनाना है, आपने वीडियो यहाँ से सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप अपलोडिंग अपलोड करनी है वीडियो। अगर मैं ये पैडलॉग की मेरे पास वीडियो है तो इसको मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये वीडियो शो होगी और उसके बाद आप यहाँ पर इसका एड बना सकते हो, लर्न मोर या कॉल टू एक्शन का, या इसके बाद बाकी भी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं तो नहीं है, पूछ सकते हो किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी ये आपको मैं फेसबुक का बता दूं कि आपकी स्टार्टिंग में जो है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। जितनी मैंने बताई थी 20 to 25, इसके अंदर अंदर आपको 30 इवन 30-40 तक भी लग सकती है। जब आपका पिक्सल जो है मेच्योर होगा, जब तक तब तक आप समझ लो को आपकी टेस्टिंग ही रहेगी, टेस्टिंग करोगे फिर उसके बाद आपको कुछ आइडिया होगा, कुछ आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आपकी ग्रिप बनेगी, फिर आपकी कन्वर्जन स्टार्ट होगी, ठीक है। होपफुली बेटर लक कि आपका जो है ना जल्दी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली फेसबुक आप लोगों के लिए न्यू है तो उसके लिए आप थोड़ी टेस्टिंग करेंगे। 3 एड चलाने हैं, अगेन मैं बता देता हूँ, 2 या 3 एड मैक्सिमम, 2 मिनिमम 2 एड चलाने हैं, ठीक है। टारगेटिंग मैंने दोनों की बता दी है, टारगेटिंग करने के बाद आपने टेस्ट करना है एटलीस्ट 2 से 3 दिन, 3 दिन आपने मिनिमम टेस्ट करना है कि कितने एड जो है ना आपकी स्पेंडिंग हो रही है। अब $5-5 ईच एड हो, ठीक है, और ये मैं वैसे आपको एक बनाकर भी सेंड कर दूंगा, और मतलब एक रिटर्न मटेरियल भी आपके पास आ जाएगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। 2-3 एड और उसके बाद 3 दिन आपने 2 या 3 जो भी आपने एड बनाया उनको टेस्ट करना है, मिनिमम 3 डेज आपने टेस्ट करना है। तो जिस आफ्टर 3 डेज जो सबसे ज्यादा अच्छा जा रहा होगा
उसको आपने कंटिन्यू रखना है, बाकी को दो या एक जो है वो उसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। और उसको आप रिमूव करके दोबारा जो बाकी जो सही चल रहा है उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके ऊपर आप काम कर सकोगे, ठीक है। ओके, गूगल, मुझे आज एडवर्ड का $150 का कोड मिला है, बट वो गूगल के साथ यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने एडवर्ड कभी यूज नहीं किया, और उसके लिए मैं आपको बता भी नहीं सकता कि एडवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं। होपफुली अगर आप बाद में चेक करिए, मुझे दिखा दीजिएगा, मैं आपको होपफुली बता दूंगा उसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे पहले पेज, ये आपने पेज यूज कर लेना है, और उसके बाद आप आपने यहाँ पर जो मटेरियल है वो राइट करना है। जैसे अगर मैं पर्सनल हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैं ये पोस्ट बनाई हुई है, तो उस पोस्ट को जो है ना मैं दोबारा यहाँ पर रिटर्न करना है। आपने हेडलाइन लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद आप यहाँ पर शॉप नाउ का बटन भी लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर शॉप नाउ करना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या करना है, जैसे मेरी अगर एक पोस्ट ऑलरेडी ये बनी हुई है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और टेक्स्ट जो है ना वो वाला मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। अभी ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज किस्म का, अभी मेरे ये 3 से 4 दिन की पोस्ट है जो है ना, आप कह सकते हो कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट की जगह लिख देता हूँ, हेडलाइन जो है वो बना देता हूँ ट्रांसपेरेंट, अगर यानी कि मैं लगाता हूँ टिक एनी लॉक, ट्रांसपेरेंट पैनल, शॉप ना होगा यहाँ पे बटन, ये सारे फीचर्स आपको न्यूज फीड, मोबाइल न्यूज फीड के अंदर ये किस तरह नजर आएगी, वो कैसे नजर आएगी, ये सारा चीजें जो अपना आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आपने वेबसाइट का लिंक देना है अपना, जो आपकी मतलब होगा जो आपका लिंक है वो वहां आपने लिंक देना है, जो प्रोडक्ट लिंक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक, ठीक है। लाइक ये वाली प्रोडक्ट का लिंक है, तो इसको मैं ठीक है, ये मैं प्रोडक्ट लिंक दे दूंगा, और उसके बाद आपने ये जो यूआरएल शॉर्टनर है अपनी प्रोडक्ट के वो भी यूज करने हैं। तो ये आपका जो है ना एक किस्म का बन जाएगा एक एड, ठीक है, प्रॉपर आपका एड बन जाएगा। उसमें अट्रैक्टिव सी वर्डिंग यूज करनी है, नीचे आपने अपना लिंक दें यूआरएल शॉर्टनर, और जो आपके प्रोडक्ट का मतलब होगा नेम वो आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी कोई आप अट्रैक्टिव सी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी इसको आप एडवांस ऑप्शंस को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपने ट्रैकिंग आपकी नहीं रखनी है इसकी, ठीक है। और बाकी शॉप नाउ का बटन आप लगा दें, शॉप नाउ का अगर आप डाउनलोड नाउ का करना चाह रहे हैं तो वो, या लर्न नाउ, जो भी आपकी मोस्टली आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए कर रहे हैं तो आप शॉप नाउ का बटन लगाओगे,
और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ इसको कंफर्म कर देना। तो ये जो आपकी क्या उसको कहते हैं, पेड प्रमोशन है फेसबुक के ऊपर, ऐड जो है वो आफ्टर अप्रूवल आपका ऐड यहाँ पर लग जाएगा। तो टेस्टिंग आपकी है थोड़ी सी इसके अंदर, टेस्टिंग के बाद होपफुली जो है ना एक एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट कुड नॉट रोल ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन कुड नॉट बी अभी एक एरर आ रहा है आई थिंक नो। अभी हम जो एग्जिस्टिंग है पोस्ट उसको हम यूज कर लेते हैं, होपफुली उसके थ्रू जो है ना पोस्ट हो जाएगी, एड जो है वो रन हो जाएगा। इसको मैं अब कंफर्म करता हूँ। ठीक है, पहले बेटर यही है कि आप पहले पोस्ट बना लो, पोस्ट बनाने के बाद आप इसको जो है ना उस पोस्ट को यूज करते हुए अपना ये ऐड क्रिएट कर लो। तो देन जो है ना आपकी पोस्ट भी जो आपके पेज के ऊपर है उसका रिजल्ट भी नजर आता रहेगा आपको, कि कितने इसके ऊपर लाइक्स हो चुके हैं, कितने शेयर हो चुके हैं, कितनी तक ये मतलब क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे।